ये लग रहा है डुगू हीरो मेरा, इसको पकड़ो जरा। ये आप सही, ये भी नहीं सही पसंद आया भाई, पसंद नहीं आया मैं डुगू को। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस दोपहर के बज रहे हैं, सॉरी दोपहर की नहीं, सुबह के बज रहे हैं, 11:30 बज चुके हैं। और क्या ही बताऊँ, अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ करीबन 9:30 बजे, क्योंकि रोज रात का ही मेरा करीबन 1:30 बजे रात का सोना है, क्योंकि काव्या जो है मेरी बेटी, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि ब्लॉग में सभी को पता है कि वो रात को करीबन 12:30 एक ऐसे सोती है, तो मेरे को भी ऐसे जब तक वो सोती नहीं तब तक मैं सो नहीं पाता हूँ। तो सो गाइस अभी आज कभी कभार मेरे को टाइम मिलता है थोड़ा रेस्ट करने का, तो संडे को ही सिर्फ मैं मतलब थोड़ा लेट उठता हूँ, बाकी दिन मुझे दिन में तो नींद आती नहीं है। तो अभी उठा हूँ तो खाना खाते हैं और चाय पीते हैं, और आज बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनने वाला है, क्योंकि आप बनाए रहिए ब्लॉग में और मैं लेके चलूंगा, अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। सो गाइस खाने में है यहाँ पे। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया पेलने जाना है, बाय। वो है खाने में कोफ्ते और इधर चाय, खा पी के एंजॉय करके निकलते हैं फिर, और फिर वहां पे मैं मैडम को भी लेके जाना है, मैडम थोड़ा काम से बाहर गए हुए, तो वहां से पिक करके फिर मैं निकलूंगा सीधा, वहीं पे निकलूंगा आपको। और डुगू मेरा देखिए आगे बैठ गया है लाइट देखने के लिए। सो गाइस खाना पीना हो गया है और टाइम हो रहा है शाम के, सॉरी दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, और मैं जस्ट निकल रहा हूँ, और आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं यानी कि जो मेरे रिलेटिव में है, रिलेटिव में, तो वो आज का ब्लॉग कहने मतलब मैं आज अपडेट करूंगा या फिर कल, तो वो लोग ना इस ब्लॉग को देखने के बाद जेलस फील बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, तो ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कुछ बंदों के लिए, मतलब चाहे जो मर्जी समझ लो, तो वो पता नहीं कुछ लोग ना मेरे से जेलस बहुत ज़्यादा ही फील करते हैं, पता नहीं क्यों। सो गाइस मैं मिलता हूँ और सीधा वहीं पर आपको दिखाता हूँ कि आज क्या क्या होने वाला है। सो गाइस काव्या आ चुकी है शॉपिंग करने, और इधर देखिए पूरा शॉप, काव्या की मम्मी कर रही है शॉपिंग। काव्या क्या हो गया, क्या लेना है? ये देखो ये क्या है, ये शायद ब्रश है क्या, बाथरूम वाला है? अच्छा डुगू, डुगू ने ले ली, शॉपिंग कर ली बहुत सारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो ओ चेपा। सो गाइस इधर तो बहुत सारी मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सामान पड़ा हुआ है, इसमें क्या है, रबड़ क्या गल, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा ही आज तो। अरे गेट दी महारानी जी ने, इसको इधर रख दो। चलो सो गाइस डुगू देखे कैसे चढ़ने की तैयारी में है, इधर बिठाया था। ये क्या है, है? वो तो पड़े हुए इतने सारे, खत्म हो गए सब, खत्म हो गए सही में? तो अभी तो कह रही नहीं। कितने हैं देखो, डुगू ने तो कर ली है शॉपिंग, वो भी पता नहीं क्या खेल रही है। काव्या, काव्या क्या हो गया है डुगू, और उसकी मम्मा गई पता नहीं क्या देखने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, क्या इतनी सारी भीड़ है कुछ कहने की। डुगू अब आया है कपड़े वाली जगह पे, सेकंड फ्लोर पे शॉपिंग करने के लिए। काव्या खा रही है बिस्किट, डुगू बिस्किट खा रहा है। काव्या देख रही है अपने आप को शीशे में, ये रहा शीशा, तो अपने आप को शीशे में देख रही है बार बार। काव्या ले रही है अपने लिए गुड्डे, और अपने भैया के लिए लिए हैं जूते, देखते हैं क्या पसंद आता है। काव्या, काव्या क्या ले रही है, और इधर भीड़ भी बहुत ज़्यादा ही है, देखिए कितना सारा रश है। हाँ ये लग रहा है डुगू हीरो मेरा, इसको पकड़ो जरा। ये आप सही, ये भी नहीं सही पसंद आया भाई, पसंद नहीं आया मैं डुगू को, मांग रही है ये उधर के लिए। चलो ये ले ले, ये रख दो फिर, बाय बाय कर दो अपने दोस्त को।
गाइस काव्या अपने आप ही अपना दोस्त लेके घूम रही है, देखिए अब चढ़ेगी इस पे। काव्या नो नो बेटा, और इस पे चढ़ी चढ़ी कर रही है। गाइस डुग्गू ने तो देखी कर ली शॉपिंग, अपने लिए लिए कैमरा ले लिया। अच्छा नहीं लग रहा है, गंदा लग रहा है। कैमरा ले लिया, हाँ सॉरी चश्मा लिया कैमरा ले। डुग्गू को पहना के देखो, और रश भी बहुत ज़्यादा ही हो रखा है। अभी हम लोग हैं सेकंड फ्लोर पे, डुग्गू की मम्मा डुग्गू के लिए कर रही है शॉपिंग। ये सही लग रहा है, चेपा गंदा लग रहा था। गाइस काव्या ने ले ली शॉपिंग और डुग्गू की मम्मा कर रही है, और रश भी बहुत ज़्यादा ही है। देखिए कितना रश हो रखा है। क्या लेना है ये लिटिल चोको? कितने का ये? गाइस बिलिंग का टाइम हो चुका है और मैडम जी लगी हैं इधर लाइन में, और इधर बिल काउंटर है वो फिलहाल तो अभी लगे हुए लाइन में, देखते हैं कब तक नंबर आता है। डुग्गू की मम्मा ने कर ली शॉपिंग, और काव्या दिवाली गिफ्ट क्या मिलेगा वो तो पता नहीं। काव्या और इधर पूरा रश हो रखा आज बहुत ज़्यादा। इस टाइम रश वैसे कम हो गया, दोपहर को ज़्यादा था जब हम लोग आए थे। काव्या मेरा क्या कर रहा है, डुग्गू मेरा घूमी घूमी कर रहा है, ये आज बड़ी थक गई है। और इधर चल रही है पैकिंग हमारी। गाइस शॉपिंग करके आ चुके हैं, सारा सामान बिखरा पड़ा है, और मैडम जी कर रही हैं सेटिंग, और टाइम हो रहा है 7:30 बज चुके हैं, और डुग्गू सो के आ चुका अपने पापा के पास। हाँ हंस रहा है डुग्गू मेरा, सो के आ चुका है और गोदी में आ चुका है। सो गाइस अभी खाना खाना है। हाँ खाना खाना, अभी डुग्गू भी मेरा बहुत थक गया था, तो अभी बना बनेगा। गाइस कोलगेट खत्म हो गया, तो कोलगेट केक निकाल देते हैं, अभी लेके आए हैं। तो इसमें है 3 पीस केक निकाल देते हैं, और दो ये 3 बड़े पीस, 1 छोटा पीस। तो एक बड़े वाले ये मम्मी ये पापा ये काव्या। डुग्गू मेरा खेल रहा है बिल के साथ, खेली खेली चल रही है टीवी, और काव्या कर रही है डांस। डांस करो। डांस निकल रही है, वो फोन के पीछे पड़ी हुई है। डांस कर दो जे बात, कर दो कर दो कर दो कर दो जे बात। अरे मेरा डुग्गू राजा। इस रात के काव्या 12 बजे कर रही है ढोल नगाड़े बजा रही है। कैसे आवाज आ रही है, वो भी दरवाजे में पीट रही है। ये देखिए कैसे कर रही है, ये बहुत शैतानी हो गई रात को, इतनी शैतानी कर। काव्या काव्या नो बेटा, नो इस तरह नहीं करते, गंदी बात हो गई नहीं करते। सो गाइस काव्या देखिए तैयार हो चुकी है, नाइट सूट पा चुकी है, और अब सोने की तैयारी में है डुग्गू रानी, और ये कह रही है बाहर जाने के लिए, वो भी लाइटें देखने वास्ते, अभी हमने भी लगानी है। सो गाइस ये देखिए बाहर लगा रखी है लाइटें, और डुग्गू मेरा देखी देखी करने आया है, ये राजू ने लगाई हुई है, और कितनी प्यारी लग रही है, देख कितनी प्यारी लग रही है। और डुग्गू रानी, और रात के बज चुके हैं 10:30 बज चुके हैं, शायद 11 के आसपास हो चुका है टाइम फिलहाल तो अभी। और सो गाइस खाना पीना सब हो चुका है अपना, और सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, टेक बाय, टेक केयर। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो, या फूफा जी मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पहनने जाना है। बाय।